नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रामगढ़ में रविवार को एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पार्टी के पूर्व उद्योग मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सलाथिया का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों की चल रही परेशानियों को सुना और हल करने का आश्वासन दिया। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सुरजीत सलाथिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों को हर सुविधा देने के लिए पूरी तरह फेल हो चुकी है। भाजपा सत्ता में आने से पूर्व लोगों में बड़ी बड़ी वादे और आश्वासन दिए थे कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगे, लेकिन सत्ता संभालने के बाद भी वे अपने वादे भूल गए। आज युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। पीएचई डेली वेजरों के समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर हर रोज डेली वेजरों सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण लोगों में भाजपा के प्रति भारी चल रहा है। उन्होंने कहा कि नेता की एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हर वर्ग को पूरा पूरा लाभ दिया जाता था, मगर भाजपा से हर वर्ग परेशान हो गया है। लोगों की बिजली, पीने का पानी, राशन, नहरी पानी आदि समय पर नहीं मिल रहा है। नौजवानों का बहुत हद तक ज्वाइनिंग है, नौजवानों ने किया है तो 50 के करीब नौजवान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और पार्टी में शामिल करता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे रामगढ़ के ही ब्लॉक में आज जलसे का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा था पार्टी के साथियों ने, उसको रैली को संबोधित करने यहाँ आया था और लोगों को हमने भरोसा दिया है कि जो भी हमसे काम हो पाएंगे पहले भी करते आए हैं। जम्मू से रोहित डोगरा की रिपोर्ट।